आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सीबीआई ने रिश्वत के आरोप में गेल अधिकारियों पर दर्ज किया मुकदमा। दिल्ली समेत कई जगह पर छापेमारी। दिल्ली में प्रदूषण का कहर अभी भी बहुत खराब श्रेणी में है। राजधानी की हवा। प्रो कबड्डी सीजन 8 में हुआ 11वें टाई। बंगाल वॉरियर्स और यू मुआ का मुकाबला 32-32 से बराबरी पर समाप्त। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता। आतंकवादियों के 6 सहयोगियों को किया गिरफ्तार। हथियार गोला बारूद बरामद। कोहली की कप्तानी छोड़ने पर बोले गांगुली, ये उनका निजी फैसला, बीसीसीआई इसका सम्मान करता है। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा इलाके के हवाई पट्टे के पास एटा रोड पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। दूसरे व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान जिसने दम तोड़ दिया, तो वहीं पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। कार सवार दोनों व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है, जहां एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार और ट्रक की भिड़ंत की खबर अलीगढ़ से सामने आई है, जहां जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है। एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा इलाके में देखने को मिला है, जहां एटा रोड के पास रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार और ट्रक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दूसरे व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान दूसरे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया। तो वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मुझसे बाहर है, मुझसे पहले हुआ, आने से पहले। अच्छा अच्छा। जब बाद में आप आए, जब आप आए तो उसमें फंसे हुए थे वो? हाँ जी हाँ, मौके फंसे हुए मिले मुझे। किसी की मृत्यु वगैरह भी हुई है इसमें? हाँ, जो गिलावर साहब थे उनकी मृत्यु होगी मौके पे। अच्छा, पता नहीं कहाँ गए थे। जी जी। अलीगढ़ की तरफ से गाड़ी आ रही थी, फोर व्हीलर, और इधर से ये बड़ा वाला ट्रक आ रहा था जी। तो उधर से गाड़ी जो है इधर वाले ट्रक में जाके टकरा गई जी। और जो गाड़ी में सवार थे फोर व्हीलर में, उन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, और वो लोग अब एक्सपायर हो चुके हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँचा है क्या? सर बिल्कुल पहुँच चुके हैं। अब ट्रक ड्राइवर जो है यहाँ से फरार है, उनका कोई पता नहीं है, गाड़ी जब्त कर। रायबरेली जगतपुर थाना क्षेत्र रोजिया में सरेआम गौवंशियों की तस्करी का कार्य जोरों पर चल रहा है, जहां गांव-गांव से गौवंशियों की तस्करी की जा रही है। तस्करी करने वाले खुद को गौशाला कर्मचारी बता रहे हैं। तस्करी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब कार्यवाही शुरू कर दी गई है। तो तस्करों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। रायबरेली से ये खबर सामने आ रही है, जहां रायबरेली में तस्करों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। गौवंशों के तस्कर खुद को गौशाला के कर्मचारी बता रहे हैं और गौवंशों की धड़ल्ले से तस्करी करते नजर आ रहे हैं। रायबरेली जगतपुर थाना क्षेत्र रोजिया का ये मामला है, जहां गौवंशों की सरेआम तस्करी जोरों पर चल रही है। गांव-गांव से गौवंशों की तस्करी की जा रही है। तस्कर करने वाले खुद को गौशाला कर्मचारी बता रहे हैं और तस्करी का वीडियो भी अब सामने आया है। अलीगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां के थाना विजयगढ़ के गांव कुरहेला में कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी और ससुराल जनों के साथ मिलकर अपनी मां के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया और घसीटकर घर से निकाल दिया। तो वहीं घायल मां के द्वारा बीते शनिवार को थाने जाकर अपने बेटे बहू और उसके घर वालों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी गई। पुलिस ने मामले को संज्ञान लेते हुए घायल को मेडिकल परीक्षण और उपचार के लिए जिला अस्पताल मलखान सिंह भेज दिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर बांदा जनपद के चुल्ला थाना क्षेत्र के कस्बे से सामने आई है, जहां पर आज चुनाव के चलते बॉर्डर में चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान चुल्ला थाना पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल में 28 किलो विस्फोटक सामग्री, 196 फ्यूज,
500 ग्राम सुतली बरामद हुई है। विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद जब आरोपियों की पुलिस ने तलाशी ली तो उस दौरान 14,850 रुपए और मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। तो बांदा से ये खबर सामने आई है जहां पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने विस्फोटक सामान के साथ साथ अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बांदा जनपद के चिल्ला थाना क्षेत्र के कस्बे के सामने आई है ये मामला, जहां पे आज चुनाव के चलते ही बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इस दौरान चिल्ला थाना पुलिस ने एक मोटरसाइकिल को रोककर जब तलाशी ली तो तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल में 28 किलो विस्फोटक सामग्री, 196 फ्यूज, 500 ग्राम सुतली बरामद की गई है। विस्फोटक सामग्री मिलने के बाद जब आरोपियों की पुलिस ने तलाशी ली तो उस दौरान 14,850 रुपए और एक मोटरसाइकिल पुलिस ने जब्त करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। चौकी पपरेदा पर रात्रि में थाना तक चिल्ला पुलिस रात्रि में चेकिंग अभियान चलाई थी, जिसमें 3 अभियुक्त 28 किलो विस्फोटक पदार्थ तथा 195 फ्यूज तथा आधा किलो सुतली के साथ पकड़े गए हैं, जिनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके 3 अभियुक्तों को। रायबरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां गुरबख्शगंज थाना इलाके के ढकिया चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप से ड्राइवर ने पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल भरवाने के बाद ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके जैसे ही सड़क पर आया तो वैन अचानक आग धू धू कर जलने लगी। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। वहीं धू धू कर जलती वैन पर समय रहते काबू पा लिया गया। हालांकि इतनी देर में वैन जलकर टीन के ढांचे में तब्दील हो गई थी। तो रायबरेली से ये खबर सामने आ रही है जहां पे मारुति वैन आग का गोला बन गई। तस्वीरें देख सकते हैं आप, भीषण आग लग गई और ये आग पेट्रोल डलवाने के तुरंत बाद ही लग गई। रायबरेली से ये बड़ी खबर सामने आई है। गुरबख्शगंज थाना इलाके के ढकिया चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप का मामला बताया जा रहा है जहां से ड्राइवर ने पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल भरवाने के बाद ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर आया तो वैसे ही वैन अचानक जलने लगी, धू धू कर जलने लगी और ड्राइवर ने किसी तरह कूद कर अपनी जान बताई और इसकी वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रायबरेली जिले में खुलेआम उड़ाई जा रही आदर्श आचार संहिता की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर अवैध असलाह के साथ फोटो डालने वाले पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे स्थित शॉपिंग मॉल की छत पर अवैध असलाह के साथ आए दिन फोटो सेशन करवाते रहते हैं लोग। अगर असलाह अवैध है तो अभी तक युवक के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये खबर सामने आई है जहां अवैध असलहे के साथ व्यक्ति फोटो खिंचाते हुए नजर आ रहा है। इसकी फोटो भी अब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रायबरेली से अवैध असलहा के साथ फोटो लेने की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं और इस वक्त आदर्श आचार संहिता लगी है जिसकी भी धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर अवैध असले के साथ फोटो डालने वालों पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शहर के डिग्री कॉलेज चौराहे स्थित शॉपिंग मॉल की छत पर अवैध असले के साथ आए दिन फोटो सेशन करवाते कुछ लोग नजर आते हैं और अगर असलहा अवैध है तो अभी तक युवक के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खबर अलीगढ़ से है जहां कोल से समाजवादी पार्टी से सलमान शाहिद का टिकट कंफर्म होने से दूसरे प्रत्याशी की टिकट कटने के बाद विरोध से सलमान शाहिद का भी फार्म रोक दिया गया। सलमान शाहिद के समर्थकों में हजारों लोग सड़कों पर समर्थन में उतरे और सलमान शाहिद के समर्थकों ने बताया कि दूसरे लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, अन्य प्रत्याशी खड़े हैं, सलमान शाहिद के खिलाफ कटवान चाहते हैं और टिकट चंद लोगों पर ऐसे लेकर सलमान के खिलाफ विरोध करने का भी आरोप लगाया गया है। तो यहां एक तरफ टिकट एक प्रत्याशी का कंफर्म हुआ है तो दूसरे प्रत्याशी का टिकट कट गया है, जिसपे समर्थक नाराज नजर आए हैं और क्या कुछ कहा गया है आपको भी सुनाते हैं। आप विरोध कर रहे क्या है? देखिए, हम सब सलमान शाहिद के समर्थक हैं और जिस तरीके से 13 तारीख को माननीय अखिलेश यादव जी ने सलमान शाहिद जी का टिकट की घोषणा की है, और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से
कि सलमान शाहिद के नौजवान यहाँ पे नौजवान जितना खड़ा हुआ है सब सलमान शाहिद के समर्थन में खड़ा हुआ है। और ये जो जगह जगह विरोध दिखाए जा रहे हैं, ये कोई विरोध नहीं है। लोग पैसे लेके लोग जो है पैसे जेब में उनके डाले जा रहे हैं और विरोध करवाया जा रहा है। ये किसका विरोध किया जा रहा है? ये सलमान शाहिद का विरोध किया जा रहा है, जबकि सलमान शाहिद 2400 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, नौजवानों की पहली पसंद। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्री सलमान शाहिद को टिकट दिया है और ये उनका स्वागत योग्य फैसला है और बहुत अच्छा फैसला है, लोगों के हित में फैसला है। 5 साल जो उन्होंने लगातार काम किए हैं, क्या काम नहीं किए हैं कोई नहीं बता सकता। एम्बुलेंस चलवाई, राशन बंटवाए, मरीजों का फ्री इलाज कराया, फ्री बच्चों के एडमिशन कराए, स्कूलों में फीसें माफ कराई, क्या नहीं कराया उन्होंने। उन्हें जन जन का बच्चा बच्चा सब लोग जानते हैं। आप रजा नगर चले जाइए, लाइन पार चले जाइए, जमालपुर में चले जाइए, हर बच्चा बच्चा उन्हें जानता है और यही वजह है जो उन्हें खबर बदायूं से है, जहां जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर चुके हैं। उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल के संबंध में कलेक्ट्रेट का निरीक्षण भी किया और साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कलेक्ट्रेट में पैदल गश्त कर आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया, जिस दौरान जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और कई अन्य पुलिस अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारीगण भी मौजूद रहे। खबर फरीदाबाद से है, जहां वल्लभगढ़ रेलवे फ्लाईओवर के नीचे रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेनों की चपेट में आने से एक व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिलहाल उसे उपचार के लिए बीके अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। ये अपने दोस्तों के साथ लाइन पार गया था, उनके साथ अब ये उनके साथ साथ चला गया, पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ। इसको यहाँ पर लिया, कैसे सूचना मिली कि ट्रेन हादसे से शिकार हुए, कैसे सूचना मिली आपको? एक हमारे बगल में सरदार जी, उन्होंने बताया कि आपका बंदा रेल के फाटक पे पड़ा है, उसका हाथ वाथ कट गया है, जब हम यहाँ पर आए बीके में। तो क्या वजह से कोई मामला ऐसा आ रहा है, फ़ोन छीन के भाग रहे थे, क्या था? नहीं, ये इनके साथ गए थे, ये इनके साथ पीते खाते हैं, ये कल्ली गांव से आया था शिकारपुर से। ये लाइन क्रॉसिंग कर रहा था, किसी गाड़ी की चपेट में आ गया है। जी, तो क्या पूछताछ में कुछ पता चल पाया? अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, इसका नाम पता कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो सर, कहाँ हादसा हुआ है ट्रेन हादसा? नहर के पास, सोना नहर के पास, किलोमीटर 1500 2 के 16-18 पर। कितने लोग थे सर इस लड़के के बच्चे के साथ? ये तो अकेला था जी, जब हम पहुँचे हैं तो वहाँ पुलिस की गाड़ी ऑलरेडी पहुँच चुकी। खबर हमीरपुर से है, जहां विधानसभा 2022 चुनाव के मद्देनजर डीएम एसपी ने कलेक्ट्रेट परिसर का मुआयना कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधानसभा चुनाव में नामांकन प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू होनी है, जिसके चलते डीएम एसपी ने कलेक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण किया और निर्वाचन कलेक्ट्रेट रूम का भी निरीक्षण किया। वहीं जिलाधिकारी डॉ चंद्रभूषण त्रिपाठी ने कहा कि कलेक्ट्रेट के सभी गेट नामांकन के दिनों बंद रहेंगे, परिसर के चारों तरफ आवश्यक फोर्स लगाकर घेराबंदी की जाएगी, आने जाने के रास्ते में बैरिकेडिंग लगाई जाएगी ताकि अनावश्यक लोग परिसर के अंदर ना घुस पाएं। ये देखा कि सुरक्षा की दृष्टि से हमने कहां कहां पर बैरिकेडिंग करनी है, क्योंकि आप लोगों को भली भांति जानकारी है कि जिस दिन नामांकन होता है उस दिन लोग बड़ी संख्या में उम्मीदवार, उनके साथी, उनके समर्थक लोग घुसने का प्रयास करते हैं, तो बड़ी अव्यवस्था होती है। तो यद्यपि 144 लगा हुआ, फिर भी हम लोग बैरिकेडिंग लगाकर, पुलिस ड्यूटी लगाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए मानक हैं उसी मानक के अनुसार लोग आएं और अपना नामांकन करें और हमारा निर्वाचन कार्य। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।